नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर, एक बहुत ही गंभीर समस्या जो स्त्रियों को होती है, जिसका नाम है स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और बेनाइन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। सारी चीजों को आप उसमें ले सकते हो, साथ में स्तनों में होने वाली जो गांठें हैं उनके लिए भी आप इस वीडियो के अंत में बताए गए इलाज को प्रयोग करके पूरी तरह रोग को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली ये बोला जाता है कि स्तन कैंसर हो जाने पर केवल सर्जरी ही एकमात्र साधन है इस रोग को ठीक करने का। उसमें स्तन को काट के अलग कर दिया जाता है या उसके कुछ प्रभावित भाग को काट कर अलग कर देते हैं, परंतु महिलाएं बहुत ज्यादा घबराती हैं इस चीज से और इस सर्जरी से पूरी तरह कभी भी इस चीज का उपचार संभव नहीं होता है। फिर से या तो सेकेंड ब्रेस्ट या फिर ब्रेस्ट में आसपास की जगहों पर कैंसरस जो ग्रोथ है वो चालू हो जाती है। तो किस लिए करवानी है सर्जरी? कोई जरूरी नहीं है सर्जरी करवाना जब उससे पूर्णता उसका उपचार होना ही संभव नहीं है, पूरी तरह रोग ठीक होना ही संभव नहीं है। तो क्यों सर्जरी करवाई जाए और सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस झेले जाएं? कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस ये होने लगते हैं, कहीं उल्टी आने लगती है खून की, कहीं महिला को बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, बहुत ज्यादा चक्कर आने लगते हैं, भूख नहीं लगती है और शरीर में फीवर बना रहता है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, ना जाने क्या क्या हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सर्जरी जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाए, पूरी तरह से स्तन खराब हो जाए, तब सर्जरी करवाएं, अन्यथा सर्जरी मत करवाएं। इस वीडियो में मैं आपको स्तन कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत जो परिचय है वो बताऊंगा, कारण बताऊंगा, लक्षण बताऊंगा, साथ ही साथ जो उसके बचाव है वो भी मैं आपको बताऊंगा और मुख्यतः मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा पूरी तरह आपको रोग ठीक करने के लिए जो उपचार मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पर प्रयोग किया और 100% लाभ प्राप्त किया है, वही उपचार मैं आपको यहां पर फ्री में बताने जा रहा हूं, जो लाखों रुपए में कोई चिकित्सक आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हर चिकित्सक अपना ज्ञान जो है वो गुप्त रखता है। यदि वो बता दे तो दूसरे उसका प्रयोग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, परंतु मैं आपको मुफ्त में बता रहा हूं। और यदि आप खुद ये उपचार नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे दवा बुलवा सकते हैं, वही चीजें और उनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिलाकर मैं आपको दवाई भेजता हूं। परंतु दोस्तों, एक चीज बता दूं मैं आपको, चूंकि ये ब्रेस्ट कैंसर है और इसको यदि ठीक करना है तो इसमें स्वर्णयुक्त दवाइयां, हीरे की भस्म, मोती और बहुत सारी चीजें मिलानी होती हैं, तो ये बहुत महंगा उपचार होता है, तो आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी ये चीज ठीक हो पाएगी, ये सिंपली ये चीज ठीक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग धैर्यवान हैं वही ये वीडियो पूरा देख पाएंगे, कई लोग तो अभी भी स्किप कर देंगे और जो स्किप कर देंगे वो अपने रोग को पूरी तरह से खत्म करने से जो है रह जाएंगे, यानी कि वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, स्तन कैंसर होता क्या है? क्या होता है कि हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो सामान्य तरीके से होता है, परंतु यदि उनमें कोई म्यूटेशन पैदा हो जाए, कोई एबनॉर्मल म्यूटेशन पैदा हो जाए, तो जो कोशिकाओं की वृद्धि है वो असामान्य तरीके से होने लगती है और असामान्य तरीके से जो वृद्धि होती है उसके कारण महिलाओं के स्तनों में जो है गांठें पड़ जाती हैं या फिर रेडनेस आने लगती है या उनके स्तनों में अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, साथ ही साथ रेडनेस होना, दर्द होना और आसपास गिल्टियां सी हो जाना, ये सारी समस्याएं पैदा होने लगती है और उनके निप्पल से भी कई बार जो है सिक्रेशन या ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, आसपास दर्द होने लगता है, न केवल स्तनों में बल्कि कक्षा यानी कि एक्सिला रीजन में भी, हाथ पैर या कंधों में भी दर्द होना स्टार्ट होने लगता है, गर्दन के आसपास भी दर्द होने लगता है या फिर भारीपन महसूस होने लगता है, या महिला को बहुत ही भारी भारी से स्तन दिखने लगते हैं या उनके जो एरियोलाज होते हैं या फिर उनके जो निप्पल्स होते हैं उनमें अनियंत्रित जो है लक्षण दिखने लगते हैं, अनियंत्रित वृद्धि दिखने लगती है या निप्पल्स जो है इन्वर्टेड हो जाते हैं, अंदर की तरफ घुसने लगते हैं। तो इन सब लक्षण,
यदि ये सब लक्षण दिखाई देने लगे, छोटी सी गांठ भी यदि दिख रही है, रेडनेस दिख रही है, निपल्स में से कुछ सिक्रेशन आ रहा है मिल्क के अलावा, यदि जो फीडिंग में ब्रेस्ट फीडिंग कराती महिलाएं उनको निपल में यदि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई और सिक्रेशन आ रहा है, या ब्लड आ रहा है, या फिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रेडनेस हो रही है, या फिर जो निपल्स हैं वो अंदर की तरफ घुस रहे हैं, या उनका आकार बिगड़ रहा है, या स्तन का आकार बिगड़ रहा है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, इसका परीक्षण जरूर कराएं, बायोप्सी जरूर कराएं, मैमोग्राम जरूर कराएं, और स्व परीक्षण भी हर महिला को करते रहना चाहिए। स्व परीक्षण कैसे करना चाहिए? जनरली मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में होने वाली कैंसर से मौतों में 18% जो मौतें हैं वो स्तन कैंसर से होती हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से होती हैं। तो बहुत ही ज्यादा भयंकर प्राण घातक ये बीमारी है और बहुत ही गंभीर बीमारी है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो कैंसर होता है, ये क्यों होता है? जनरली उन स्त्रियों को जिनमें जो मीनार्की है या जो मासिक स्राव का जो स्टार्टिंग है वो 12 वर्ष के पहले हो जाता है, उन स्त्रियों में जो कि स्तनपान नहीं कराती हैं, उन स्त्रियों में जिनकी शादी लेट होती है 30 वर्ष के बाद होती है, या जो गर्भधारण लेट करती हैं 30 वर्ष के बाद, 32-30 से 35, 35 से 40 वर्ष के बीच में, उनमें मतलब लेट गर्भधारण करने से भी होता है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज्यादा सेवन करती हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और इनका लगातार इन हार्मोन्स की जो थेरेपी है उसको लगातार चलाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। उसके बाद जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं, है ना, और साथ में जो महिलाएं आराम तल भी पसंद करती हैं, यानी कि जो घर का कार्य नहीं करती हैं, और जो महिलाएं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती, और जिन महिलाओं में स्मोकिंग एल्कोहलिक होती हैं, जो महिलाएं स्मोकिंग करती हैं, किसी नशे का सेवन करती हैं, तंबाकू आदि का सेवन करती हैं, उन सभी महिलाओं में, या फिर जिन महिलाओं में ऐसे जीन्स जो कि जेनेटिकली उनको मिले हों ब्रेस्ट कैंसर के, उनमें भी ये कैंसर हो जाया करता है, या ऐसी महिलाएं जो ऐसी जगह पर कार्य करती हैं जहां पर केमिकल बहुत ज्यादा फॉर्म होते हैं, केमिकल्स से चीजें बनाई जाती हैं, उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, खान पीन का अनियंत्रण, मिर्च मसाला, खटाई, ज्यादा तेल की चीजें, मांसाहार आदि का सेवन करती हैं जो महिलाएं, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम्स का ज्यादा सेवन करने वाली महिलाएं, और जो महिलाएं बहुत ज्यादा गर्भवती होती हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत ज्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है, साथ में जिन महिलाओं में गर्भपात बार बार होता है उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट कैंसर को उसकी जो गंभीरता है उसके आधार पर 4 स्टेज में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज है उसमें केवल ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट तक ही सीमित रहता है, यानी कि महिला के स्तन तक ही सीमित रहता है। सेकंड में ये दूसरे अंगों में फैलना चालू होता है, यानी कि यहाँ एक्जिला तक आ गया, या फिर आपके कंधे तक चला गया, या फिर आपके पेट तक जा रहा है, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है, तो दूसरे अंगों में फैलना चालू होता है। तृतीय स्तर का, थर्ड स्टेज का जो कैंसर होता है उसमें लिम्फ नोड्स में और लिम्फेटिक्स में कैंसर की जो ग्रोथ है, या कैंसर का जो विषाक्तता है, जो टॉक्सिन्स है, जो मेटास्टेटिस है, वो स्टार्ट हो जाता है लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक्स में, यानी कि आपकी लसिका वाहिनियों में। और चौथे स्टेज का जो कैंसर है उसमें खून में ये पैथोजेंस आ जाते हैं, ये कार्सिनोजेंस आ जाते हैं, ये कैंसर के जो विषाक्तता है वो आ जाती है, और वो खून जो ब्लड है वो सर्कुलेट होके पूरे शरीर में धीरे धीरे इस कैंसर का मेटास्टेटिस कर देता है, जिससे अंततः रुग्णा की मृत्यु हो जाती है। तो ये फोर्थ स्टेज है कैंसर का, ऐसे 4 स्टेज कैंसर के हैं। अब ये जो कैंसर के जो मैंने आपको स्टेज बता दिए, ये हुआ। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो लक्षण सबसे पहले ये देखने को मिलता है, प्रथम स्टेज में तो लक्षण सामान्यतः प्रतीत नहीं होता,
महिला को हल्का सा लंप जो है वो ब्रेस्ट पे आ जाता है जो उसको महसूस नहीं होता है, परंतु धीरे धीरे जब वो गिठली बनी रहती है तो उसको महसूस होने लगता है, धीरे धीरे रेडनेस आने लगती है, कई बार निपल्स में से ब्लड आने लगता है या आसपास दर्द होना स्टार्ट होने लगता है, एक्जिला के पास यानी काक के पास भी दर्द होना स्टार्ट होने लगता है, भारीपन महसूस होने लगता है, साथ ही साथ जो निपल्स होते हैं वो इन्वर्टेड होने लगते हैं यानी कि अंदर की तरफ घुसने लगते हैं, या उनका आकार बिगड़ने लगता है, या ब्रेस्ट का आकार बिगड़ने लगता है, या उभरी हुई शिराएं दिखने लगती हैं, लालपन दिखने लगता है, रेडनेस दिखने लगती है, टेंडरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, छूने पे भी महिला चीखने लगती है, इस तरीके के लक्षण दिखने लगते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। तो ये हो गए लक्षण। अब इसका बचाव कैसे संभव है, तो दुग्धपान महिलाओं को कराना चाहिए अपने शिशुओं को, जो उनमें आजकल आदत आने लगी है कि बाहर का दूध शिशुओं को पिलाती तो वो बिल्कुल ना करें, दुग्धपान कराएं, जो महिलाएं माताएं हैं उनको कराना चाहिए जल्दी, मतलब 30 वर्ष के पहले ही शादी हो जाए तो बेहतर है। और जो महिलाओं में बहुत ज्यादा आराम तलबी पसंद करती हैं वो कार्य कुछ ना कुछ करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, मिर्च मसाला खटाई ज्यादा तेल की चीजें बेकरी आइटम्स जंक फूड फास्ट फूड इनसे दूर रहें, और अपना जो ब्रेस्ट है उसका परीक्षण नियमित रूप से करते रहें, खासकर जो महिलाएं 40 वर्ष से ऊपर की हैं 50 वर्ष से ऊपर की हैं वो करती रहें। और हाँ, एक जो कारण है महिलाओं में जिनमें लेट मीनोपॉज होता है जिन महिलाओं में, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो स्व परीक्षा कैसे कर सकती हैं, दर्पण के सामने या मतलब कि मिरर के सामने वो खड़ी हो जाएं और अपने ब्रेस्ट को ऊपर उठाकर है ना, ऊपर से नीचे से आजू बाजू से देखें, उसमें कुछ अनियंत्रित, उसमें कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, ठीक है, उसमें कोई रेडनेस तो नहीं दिख रहा है, निपल्स में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं दिख रही है, उनसे खून या किसी प्रकार का सीक्रेशन तो नहीं निकल रहा है, या निपल्स इन्वर्टेड तो नहीं हो गए, अंदर की तरफ धस तो नहीं रहे हैं, ब्रेस्ट का आकार तो नहीं बिगड़ रहा है, या ब्रेस्ट के आसपास सूजन तो नहीं दिख रही है, ब्रेस्ट के आसपास के अंगों में कुछ उभरी हुई सिराएं या उभरी हुई नसें तो नहीं दिख रही हैं, रेडनेस तो नहीं दिख रही है, और छूने पे दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है, छूने पर उंगलियों की उंगलियों से टच करिए है ना, फिंगर टिप से टच करिए कि गांठें तो नहीं समझ में आ रही हैं, यदि गिल्टियां समझ में आ रही हैं, गांठें समझ में आ रही हैं, ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अपने चिकित्सक को तुरंत दिखाइए या रूटीन चेकअप कराइए। और अब इसका बचाव कैसे संभव होगी मैंने आपको बता दिया है, और इसके बाद अब इसका जो मुख्य पार्ट आता है वो है इसका उपचार, जिसके लिए आप अभी वो उपचार जिससे मैंने कई रुग्णाओं के स्तन कैंसर को ठीक किया है, वो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक सुनिए आपको करना क्या है। आपको हीरक भस्म लेनी है 500 mg, 1 ग्राम आपको स्वर्ण भस्म लेनी है, ताम्र भस्म आपको 5 ग्राम लेनी है, रस माणिक्य आपको 5 ग्राम लेनी है, अभ्रक भस्म आपको 10 ग्राम लेनी है, तथा गिलोय सत आपको 20 ग्राम लेनी है। फिर से दोहरा दूं मैं, 500 mg आपको लेनी है क्या, हीरक भस्म, 1 ग्राम आपको लेना है स्वर्ण भस्म, 5 ग्राम आपको लेनी है ताम्र भस्म, 5 ग्राम आपको लेना है रस माणिक्य, अभ्रक भस्म आपको लेनी है 10 ग्राम, और गिलोय सत आपको लेनी है 20 ग्राम। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्सी में या खलबट्टे में पीस कर आप बारीक चूर्ण बना लीजिए, उस चूर्ण को चम्मच से अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और उसको मिलाएं ऐसे कि कोई भी चीज ऊपर नीचे ना रह जाए, एक साथ हो जाए, अच्छी तरह से चम्मच से मिला लें, पूरे जो पाउडर से वो मिल जाए, अलग अलग दवाइयों के जो मिश्रण रह जाते हैं ना मिक्सी में या खलबट्टे में पीसने पे, तो पेपर पे लेके अच्छी तरह से उसको मिक्स करके फिर बराबर बराबर 60 मात्राओं में उसको विभक्त कर दीजिए, 60 डोजेस उसके बना लीजिए और पेपर का पैकेट बना लीजिए, 60 पेपर के पैकेट बना लीजिए। अब एक एक पैकेट आपको सुबह शाम खाने के 20 मिनट पहले शहद के साथ लेना है, खाने के 20 मिनट पहले शहद के साथ लेना है, खाने के 1 घंटे बाद आपको, खाने के 1 घंटे बाद 2 गोली कांचनार गुग्गुल तथा 2 गोली पंचतिक्त घृत गुग्गुल सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में, 4 चम्मच पुनर्नवा जूस, या पुनर्नवा जूस ना मिले तो 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करना है, तथा आपको सुबह शाम रात 3 टाइम जहां पर आपको घाव हुआ स्तन में या गांठ है या फिर स्तन में जो एबनॉर्मल ग्रोथ है वो दिख रही है उसके आसपास भी और उस पर भी आपको दशांगलेप, 1 चम्मच दशांगलेप थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर गाढ़ा लेप बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा जात्यादि तेल मिला लीजिए और उसको मिलाकर वहां पर गाढ़ा गाढ़ा अच्छा गाढ़ा लेप जो है लगा दीजिए,
और उसके ऊपर आप या तो कपड़ा बांध दीजिए या अरंडी का पत्ता गर्म करके चिपका दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप बहुत ज्यादा आराम महिला को मिलने लगा है, परंतु इस ट्रीटमेंट को थोड़े लंबे समय तक आपको प्रयोग करना है पूरी तरह रोग को खत्म करने के लिए, यानी कि लगभग 6-7 महीने तक कंटिन्यू। परंतु एक ही महीने में महिला को 15-20% यदि आराम मिलने लगता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, महिला की सारी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। दोस्तों यदि ये दवाइयां आपको बुलवानी है आसानी से तो डिस्क्रिप्शन में मैं अमेजोन की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अमेजोन से इन दवाइयों को आसानी से घर बैठे बहुत ही कम दाम पर और बहुत ही आसानी से बुलवा सकते हैं, क्योंकि ये बाजार में ये सारी दवाइयां आसानी से आपको नहीं मिल पाएंगी, तो आप अमेजोन से बुलवा सकते हैं। या यदि आपको मुझसे ये बनी बनाई दवा बुलवानी है, पूरा योग बुलवाना है, तो आप मुझसे ये दवाइयां बुलवा सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि इसमें बहुत ही बहुमूल्य औषधियां हैं तो एक माह की दवा लगभग 12,000-15,000 रुपए के बीच हो सकती है, परंतु जो रोग सर्जरी से भी ठीक नहीं हो रहा है, जिंदगी भर महिला इसका जो है दंश झेलती रहती है और अंततोगत्या मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो रोग यदि आपका लगभग 6-10 महीने 12 महीने में ठीक हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता, पैसा कुछ नहीं होता दोस्तों, यदि किसी के प्राण को बचाना है तो मैं समझता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम लिंक्डइन फेसबुक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि किसी महिला की जान बच सके। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ऐसी वीडियोस आपको चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबाने में कंफ्यूजन ना करें, शेयर जरूर करें, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें कि वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक से वीडियो बनाना चाहिए, तथा मुझसे दवा बुलवाने के लिए यहां मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर अपनी सारी समस्या नाम नंबर बता पिन कोड दिक्कत क्या क्या है कब से रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप कर दें और मैं आपको मैसेज करूंगा फॉर कॉल एंड कॉल भी, तब बताऊंगा कितने माह दवा चलानी, एक माह की दवा कीमत क्या होगी, वह कीमत एडवांस पेमेंट करके आप मुझसे किसी भी रोग की दवा बुलवा सकते हैं या मुझसे पर्चा लिखवा सकते हैं 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करके अपने बजट के अंदर ही। तो दोस्तों आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।